शख्स, मैं ना अपने कबाड़ी वाले से बहुत परेशान हूँ। क्या आप भी ये सोच के परेशान होते हैं कि आपके कबाड़ी वाले का कांटा सही पॉइंट करेगा या गलत, उसके दिए हुए रेट्स मार्केट के हिसाब से सही होंगे भी या नहीं? क्या आपका कबाड़ी वाला आपके टाइम के हिसाब से आता है या अपने टाइम के हिसाब से? और तो और, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आपका दिया हुआ कबाड़ सही से रिसाइकल होगा भी या नहीं। कबाड़ी वालों को ये नहीं पता होता कि उन्हें रोज काम मिलेगा या नहीं। कस्टमर्स कबाड़ देने के लिए बुला लेते हैं पर फिर खाली हाथ भेज देते हैं। तो शख्स, कस्टमर्स और कबाड़ी वालों को ये प्रॉब्लम्स इसलिए फेस करनी पड़ती हैं क्योंकि ये सेक्टर बहुत ही ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड और निग्लेक्टेड रहा है। और शख्स, आपको नहीं लगता कि अगर आजकल किराने वाला भी ऑनलाइन हो गया है तो कबाड़ी वाला क्यों नहीं हो सकता? तो इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए शख्स, मैं आपके सामने आया हूँ। मेरा नाम है मुकुल और मैं दिल्ली से हूँ, और मैं आपको मिलवाऊंगा एक मॉडर्न डे कबाड़ी वाला से जिसका नाम है स्क्रैप अंकल। ये कबाड़ी वाला आपके घर आवाजें मार के नहीं बल्कि स्क्रैप अंकल ऐप या वेबसाइट के जरिए आता है। ये एकदम ट्रेंड और वेरीफाइड एजेंट है जो आपके एड्रेस पे आके आपके स्क्रैप को 100% एक्यूरेसी के साथ वे करता है और आपको उसकी बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है। ये इतना रिस्पॉन्सिबल है कि उस कबाड़ को खुद ही रिसाइकलिंग के लिए भेज देता है, और आप इसको अपने घर के लिए ही नहीं अपने ऑफिस या कंपनी का स्क्रैप देने के लिए भी बुला सकते हैं। शख्स, पिछले 2 सालों में स्क्रैप अंकल ने दिल्ली NCR रीजन में 22,000 से ज्यादा पिकअप्स कंप्लीट किए हैं, जिससे हमने 14 लाख किलो से ज्यादा स्क्रैप रिसाइकलिंग के लिए भेजा है। हम स्क्रैप अंकल को इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन रिसाइकलिंग प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। एजुकेशन बैकग्राउंड, ये आइडिया कैसे आया, वो भी कबाड़ी वाला, इतनी यंग एज में कोई सोचता नहीं है आप? तो सर, एक्चुअली मैं IIIT दिल्ली से मैंने बीटेक किया है, और इससे पहले मेरा ड्रोन्स का स्टार्टअप था। ड्रोन से कबाड़ा? हाँ, तो मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल फ्लिप है। तो वो एक तरह से एक एंटरप्रेन्योरियल प्रोजेक्ट था जिसमें हमें ग्रांट मिली थी लॉकहीड मार्टिन और टाटा ट्रस्ट से। वाओ। और उसमें एक्चुअली हुआ ये कि मेरे को-फाउंडर्स भी मेरी एज के ही थे, तो उन्हें मास्टर्स में इंटरेस्ट था ज्यादा, तो वो भाग गए, ड्रोन स्टार्टअप चला नहीं। तो फिर हमेशा से स्क्रैप अंकल पे मेरी नजर थी, मतलब आइडिया था मेरे मन में। तो मेरे को बचपन से रोबोटिक्स में इंटरेस्ट था, और मेरे मामा एक स्क्रैप डीलर है, तो मैं उनकी जंक यार्ड में जाके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ढूंढता था अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, रोबोट्स के लिए, और बहुत देर बैठता था वहाँ पे। मेरे लिए तो वो जन्नत थी। ये लिंक मिला ना, फिर मेरे को थोड़ा आइडिया था कि सेक्टर कैसे चलता है। एंड जब मैं दिल्ली मूव किया, मैंने देखा कि ये सब तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जैसे स्विगी, जोमैटो, ये सब। तो मुझे लगा कि अभी क्या बचा है जो ऑनलाइन नहीं गया। तो फिर मुझे लगा ये चीज अभी बची है जो कि रोज, मतलब रोजमर्रा में यूज होती है बट अभी ऑनलाइन नहीं गई। तो फिर मैंने रिसर्च करनी शुरू करी, सारी स्क्रैप की मार्केट्स एक्सप्लोर करी, और फिर हमने स्क्रैप अंकल शुरू किया। फैमिली क्या कहती है? IIIT बेटा गया, बहुत नाम कमाएगा। आजकल कोई पूछता है तो बोलना पड़ता है कि रद्दी का काम करता। तो सर, मैं बताता हूँ क्या हुआ कि एक तो जैसे मैंने ड्रोन स्टार्टअप किया, उससे मेरे को अवार्ड्स वगैरह मिले, मैं US भी गया 2 बार, तो उससे उनको ये हो गया था कि समझदार तो है हमारा लड़का, कुछ तो इसको आता है। बट उनको प्रॉब्लम तब हुई कॉलेज के बाद, कबाड़ी वालों को अपने अपार्टमेंट में मूव कर लिया समझने के लिए। तो वो रहते थे आपके पास? वो अभी तक रहते हैं। पूरे डिटेल में समझाओ ये बात। एक्चुअली उसने बताया तो था कि उसे कबाड़ खाने में जन्नत दिखी। जब हमने स्टार्ट किया तो ऊबर मॉडल पे स्टार्ट किया, जिसमें हमने लोकल कबाड़ी वालों को अपने ऐप पे ऑनबोर्ड कर लिया। ये सिर्फ ऑफलाइन से ऑनलाइन हुआ है, बट जो वेट वाली प्रॉब्लम है, क्वालिटी ऑफ सर्विस वाली प्रॉब्लम है, ऑन डिमांड वाली प्रॉब्लम है, वो सॉल्व नहीं हो रही। फिर कोविड की फर्स्ट वेव में ये रियलाइज हुआ कि ये तो बिल्कुल रिसेशन प्रूफ बिजनेस है, मतलब वो 4x बढ़ गया उस टाइम पे, क्योंकि लोगों को एक तो घर पे बैठ के खाली डीक्लटर कर रहे थे वो, और उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसे कहीं से भी आए वो चल रहा था, तो ऑर्डर्स हमारे बढ़ गए। फिर मेरे को ये भी रियलाइज हुआ कि जो मैंने अपने कॉम्पिटिशन को स्टडी किया इस सेक्टर में, तो जो फेलियर्स हैं उसमें मैंने ये देखा कि उन्होंने टेक तो घुसा दिया बट उन्होंने, उनको खुद नहीं आता था ये सेक्टर। मैं उनसे मिला भी, वो ही बोलते थे कि हमें सेक्टर के बारे में तो ज्यादा नहीं पता, बट हमने इसको टेक्नोलॉजी से वो कर दिया, कबाड़ी वाले भी ऑनबोर्ड कर दिए, बट धंधा नहीं पता उनको कबाड़ी वाला कैसे पैसे कमाता है। तो फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि भाई ये काम करने के लिए घुसना पड़ेगा इसमें। तो मैंने क्या किया, उनको घुसा दो, दो कबाड़ी वालों को ढूंढा, खुद ही हंस रहा है, उनको हायर किया मैंने। आपने उनको एम्प्लॉय करना था तो उनको घर में रहना क्यों था? मैं सीखूंगा कैसे उनसे, टाइम नहीं था ना, क्योंकि सुबह से शाम तक वो पिकअप्स पे जाएंगे। हाँ। बट मेरे को धंधा समझना है पूरा डेप्थ में, उनसे पूछना है कि क्या प्रॉब्लम्स हुई आपको आज पूरे दिन में, कस्टमर्स ने क्या बोला, कस्टमर्स को सर्विस कैसी लगी।
उसके लिए टाइम चाहिए, रात को वो 9 बजे आ रहे हैं, तो वो टाइम मैं डिनर टाइम पे निकालता था। भाई दांत तो देनी पड़ेगी यार। अमेजिंग। आप पागल हो या आप बहुत होशियार हो, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा, लेकिन दांत देनी पड़ेगी। एक काम करोगे, इसका वैल्यू चेन समझाओगे और ये साइकिल में कौन कितना पैसा बनाता है समझा सके। क्या है कि नॉर्मल साइकिल वाला, कबाड़ी वाला हमारे घर के आसपास आता है, वो कबाड़ खरीदता है और वो आगे एक एग्रीगेटर को बेचता है। एग्रीगेटर तक सब कुछ मिक्स्ड रहता है, मतलब वो कबाड़ी से मिक्स कबाड़ खरीद लेता है। फिर बिग एग्रीगेटर्स होते हैं जो सिर्फ एक चीज का काम करते हैं, जैसे पेपर वाला सिर्फ पेपर लेगा और लोहे वाला सिर्फ लोहा लेगा। उसके बाद सिर्फ मनी पावर वाले लोग होते हैं जो कि सिर्फ फोन पे काम करके अपने पैसे के उससे, क्योंकि इसमें क्रेडिट का खेल होता है, रिसाइकलर से जो पेमेंट आती है वो लेट आती है। तो हम वो 2-3 प्लेयर्स को हटा रहे हैं जो मनी पावर की वजह से बीच में थे। और उसके अलावा कुछ केसेस में अभी हम रिसाइकलर तक पहुंच पाए हैं डायरेक्टली। कौन सी केसेस में आप डायरेक्टली रिसाइकलर तक पहुंच पाए? आयरन और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो वहां तो बहुत पैसे बनते होंगे। सर एवरेज की बात करें तो कस्टमर से लेकर रिसाइकलर तक 45% का है। 45%? हाँ, कस्टमर से लेकर वहां तक का। वाह। मुझे एक बात बताइए, ये जो कबाड़ी वाले थे, ये एक कबाड़ी वाला कितना कमाता था नॉर्मली? जो एक कबाड़ी वाला है वो नॉर्मली 30,000 से 35,000 कमा लेता था पहले। बट अभी हमारे साथ जो कलेक्शन पार्टनर्स हैं वो 60,000 से 70,000 रुपए महीने कमाते हैं। 60 से 70,000 रुपए महीना? 60 से 70,000 महीना। हाँ।